AP? Hi Dishan, how are you? Good, good. आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. कैसा चल रहा है सब लॉकडाउन वहाँ पे? अरे शुरू शुरू में तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था. ठीक है, अभी लॉकडाउन अनलॉक नंबर वन या टू चल रहा है तो थोड़ा ग्राउंड पे जा पा रहे हैं, तो अभी थोड़ा अच्छा बेटर फील कर रहा है क्योंकि फिटनेस करने का भी स्पेस मिल रहा है. थोड़ा बहुत दो चार बच्चे हैं उनको कोचिंग जाने का भी टाइम मिल रहा है, तो अभी बेटर है थोड़ा. पहले तो बिल्कुल घर में सबने दिखाई था, 24/7 घर पे रहना है. मुंबई में तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, अभी बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आ गया अभी. हाँ हाँ आई नो, बिकॉज मेरी बात होती रहती है साई भाई से, अमोल भाई से, बिकॉज वी यूज टू डू मीटिंग्स ना आरआर की. तो हाँ वो बता रहे थे कि बहुत रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज केसेस भी आप लोगों के वहाँ बहुत ज्यादा है ना. तो हाँ, और एक्चुअली फॉलो करना भी चाहिए गाइडलाइन जो भी है गवर्नमेंट की, क्योंकि इतने केसेस में बहुत डिफिकल्ट है यार. राइट, ओके. गुड इवनिंग गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस अवर गेस्ट दिशांत याग्निक. सबको पता है कि राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी खेले, जब राजस्थान जब लगातार दो साल जीती थी तो उनके ये मेन मेंबर थे, विकेट कीपर यही थे, और राजस्थान रॉयल्स में भी बहुत साल खेले. तो दिशांत याग्निक, आपका जर्नी कैसे था? आपका जो आपने कौन से एज में क्रिकेट स्टार्ट किया और रणजी तक आपका जर्नी कैसे था? मैं जब 8 साल का था तो एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही क्रिकेट का है, क्योंकि माय डैड यूज टू प्ले फॉर यूनिवर्सिटी, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से जहाँ मैं लोकल जहाँ का हूँ बांसवाड़ा, वहाँ पे टूर्नामेंट होता है सेवर अलशेड. तो जब 8 साल का था तो पापा के साथ भी जाता था कभी स्कूल से, 6 ग्रेड बाद पेट में दर्द का बहाना करके भी ग्राउंड पे जाता था देखने, बिकॉज उस टाइम गुजरात के और MP के बड़े बड़े क्लब जाते थे वहाँ पे बॉल खेलने के लिए. तो काफी इंस्पायरिंग था क्योंकि छोटी जगह पे यार पब्लिक बहुत आती थी ना. तो तब से ड्रीम था कि यार मैं भी खेलूं, मेरे लिए भी लोग तालियां बजाएं. तो वहां से बिल्डअप हुआ ड्रीम. देन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था क्योंकि बांसवाड़ा डाउन साउथ राजस्थान में है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, बट वी हैव वन सीमेंट विकेट. तो वहां पे सीमेंट विकेट पे एकेडमी स्टार्ट हुई थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है आई वॉज 9. मैंने डैड को बहुत फोर्स किया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, ही ऑल्सो वॉन्ट मी टू बिकम अ क्रिकेटर. तो बोला कि चलो लेके चल, लेके गए वहां पे हमारे DL नागर सर के एक कोच थे. तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हो, मैंने कहा सर मुझे फास्ट बॉलर बनना है. आई वाज दिस मच, मुझे फास्ट बॉलर बनना है. सो ही यूज टू लाफ अ लॉट कि आपकी हाइट तो 3.5 फीट ही है और यू हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो बोले कि चलो चलो आप स्टार्ट करो. फिर पहले बैटिंग से स्टार्ट किया, ऐसे छोटे पैड भी नहीं होते थे उस टाइम पे. तो मेरी मॉम ने भी बड़े भैया को जो पैर दिला रखे थे स्कूल में तो उसको काट के छोटे किए. तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई. फिर अनूप दवे नाम सुना होगा आपने, जो 19 वर्ल्ड कप खेले हैं, तो वो पहले प्लेयर थे वहां से निकले. और उनकी पाठ हम लोगों ने फॉलो किया कि हमको लगने लगा कि इतने छोटे शहर से भी इतना बड़ा प्लेयर बन सकता आदमी. तो देन स्टार्ट टेकिंग क्रिकेट वेरी सीरियसली एंड एट द एज ऑफ 13 आई एंटर्ड इनटू राजस्थान अंडर 16 टीम. बट उस साल मैं एक भी मैच खेला नहीं था. आई यूज टू बी सेट आउट बिकॉज सेकंड विकेट कीपर था, सो इतना चांस मिला. चार ही मैच होते थे जोन के. उस टाइम रेलवे होता नहीं था सेंट्रल जोन में, MP UP रेलवे विदर्भा. देन नेक्स्ट ईयर जब 16 खेला तो एक रिकॉर्ड बनाया था मैंने, 246 बॉल पे 33 रन नॉट आउट. स्लोएस्ट इनिंग का राजस्थान का किसी भी 16 प्लेयर का स्लोएस्ट इनिंग का वो रिकॉर्ड है. तो देन आई रियलाइज कि नहीं आप क्रिकेट खेल सकते हैं. देन स्टार्ट ग्रेजुअली खेलने लगा. देन स्टार्ट परफॉर्मिंग इन 1922 का कैप्टन बना. फाइनल भी गए हम. देन रणजी ट्रॉफी में एंटर हुआ. एक साल 2004 की बात है, जब फर्स्ट टाइम एंटर हुआ था BCCI में, तो उन्होंने कप कराया था सारा कप कोलकाता में. तो वो टर्न अराउंड था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि मैंने 19 में कुछ एक मैच में 78 रन बनाए थे और 53 बॉल्स, तो हमको एक मैच जीते थे. वहां से मुझे पिक किया था वनडे के लिए, क्योंकि सेंट्रल जोन से मैं विजय हजारे में सेलेक्ट नहीं था, लेकिन हमारी टीम क्वालिफाई थी इसलिए मुझे सेलेक्ट किया. तो वहां 5 टीमें थी, मुंबई, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड चौथी कौन सी टीम थी, हमारी टीम थी राजस्थान, एक और टीम थी. तो ये 5 टीमें थी और हर टीम में इंटरनेशनल स्टार थे. मुंबई फर्स्ट मैच में खेला मेरा वनडे का,
तो पहले जब मैं ओपनिंग करता था गगन खोड़ा के साथ, तो फर्स्ट हमने फर्स्ट बॉलर स्टार्ट किया अजीत भाई, सेकंड उधर से स्टार्ट किया मुनाफ भाई, फिर वो हटे तो रॉबिन मॉरिस, फिर वो हटे तो सायरा दौतुले, फिर वो हटे तो नीलेश कुलकर्णी, ये हटे तो रमेश पवार। तो बट वो काफी मेमोरेबल था मेरे लिए, क्योंकि आई स्कोर्ड 53 ऑफ 41 बॉल्स। आप जब रणजी ट्रॉफी सिलेक्ट हुए थे और आप रणजी ट्रॉफी 2 साल जीते हो, तो उन दोनों में से बेस्ट प्लेयर कौन सा था? जब हम लोग पहले 5 मैच में हमारा एक एक पॉइंट ही था, हमने किसी से भी लीड नहीं लिया, याद है, हम कहां जाने वाले हैं। सो उसमें फिर हम लोगों ने लगातार जो 3 मैच आउटराइट जीते और हम लोगों ने क्वालिफाई किया क्वार्टर फाइनल के लिए अगेंस्ट हैदराबाद, एंड वी फ्लू टू हैदराबाद एंड वी हैव ओनली 1 डे टू प्रैक्टिस बिकॉज न्यू ईयर आ गया था, 31st आ गया था। और उसमें फिर हम लोग टॉस जीत के शायद हारे थे टॉस, हम लोग थोड़े गीले होकर बैटिंग आ गए थे, सो 54-5 हो गए थे। मैंने और आकाश चोपड़ा ने 241 की कुछ पार्टनरशिप की थी, आई स्कोर 100 इन दैट क्वार्टर फाइनल गेम। सो वो स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग पाथ ब्रेक करके चैंपियन बने थे। राइट ओ मैंने देखा हो कि फर्स्ट सीजन आप जीते तभी अच्छे खेले थे, आप प्लेट ग्रुप से इलाइट ग्रुप में आए थे और जीते थे, और नेक्स्ट सीजन आपके लिए बहुत टफ था क्योंकि आप इलाइट में खेलने वाले थे और वहां पे जैसे आपने कहा कि वो साल आपका अच्छा नहीं जा रहा था स्टार्टिंग में, और सडनली आप शायद लास्ट के 2 या 3 मैच आउटराइट जीते बोनस पॉइंट समथिंग और क्वालिफाई पर वहां से चैंपियन। तो एक बहुत कम टीम ऐसे जीत पाते है क्योंकि ये अभी मैं मुंबई में खेलता हूँ, मुझे मालूम है ऐसे मुंबई बहुत बार नॉकआउट में क्वालिफाई हुए, पर राजस्थान जैसी टीम जो कोई सोचा नहीं था कि राजस्थान टीम कभी क्वालिफाई तो छोड़ो चैंपियन हुए तो बहुत बड़ी चीज थी राजस्थान के लिए, और लगातार 2 साल। और जो गणकर, आकाश चोपड़ा, देन परिडा, पंकज सिंह, इनका क्या क्या रोल था वो टाइम में और एक्सपीरियंस? एक्चुअली केपी परफेक्टली वो तुमने कोट किया है कि एक्चुअली हमारा जो माइंडसेट चेंज किया है वो हमारे 3 प्रोफेशनल प्लेयर ने चेंज किया है। द वे ऋषि भैया, आकाश भैया और परिदा पुट इन टू द सिचुएशन, हम लोगों को सिचुएशन में डाला कि हम लोग 30 मतलब हम लोग वो 30s में थे सब, ठीक है, लेकिन उनका जो जीतने का जज्बा था उस उम्र में और हम लोग यंगस्टर्स थे, तो हम लोगों को उन लोगों ने उस सिचुएशन में डाला कि रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो सिर्फ खेलने के लिए मत खेलो, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो जीतने के लिए खेलो। उन्होंने हमको सिखाया कि डेज गेम ऐसा होता है कि आप किसी सिचुएशन से भी कमबैक कर सकते हो। सो आप वो चीज हमारे अंदर पहले इंस्टिंक्ट हमारे ऐसी नहीं थी, वी ऑलवेज यूज टू प्ले फॉर अ फर्स्ट इनिंग लीड, और जैसा कॉमनली 10 साल 12 साल या 15 साल पहले एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट मुंबई अलग है, यू आर द चैंपियंस, बट जितनी भी छोटी टीम थी ना हमारा पहला उड़ी था वी हैव टू टेक फर्स्ट इनिंग लीड्स, पर तू हमारा माइंडसेट चेंज किया, उन तीनों ने चेंज किया। इवन पंकज सिंह इंडिया खेल के आया था, तो ही यूज टू अमंग द लॉट ऑफ विकेट दैट टाइम, सो वो जो हमारा कॉम्बिनेशन जो सेट हुआ उनके साथ, दैट्स परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस प्लस यंगस्टर्स। राइट, और जो मुझे याद है मेरा डेब्यू सीजन था, सेकंड मैच राजस्थान के साथ ही था सीसीआई में, और मैं पंकज सिंह कोई कॉट बेन हुआ था 0 पे, ऑलमोस्ट 2-3 फील्डिंग किए थे हमने, और तभी मुझे लगा था भाई मैं कहां आ गया हूं। मतलब आप जब भी पहला सीजन खेल रहे हो, फर्स्ट मैच में मैं 32 समथिंग किया था और सेकंड मैच में नहीं, सेकंड जो 0 पे आउट हुआ था उसके नेक्स्ट मैच में अजीत अगर टीम में आए थे, तो मुझे बाहर में कीपर को ओपनिंग में भेजा था, तो थर्ड मैच अकेली 100 मारा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आया कि चलो भाई हम लेवल खेल सकते, तो फिर वहां से गेन हुआ। और दो सीजन में आप बता रहे हो नेक्स्ट सीजन में, वही सीजन में जो चैंपियन हुए थे आप सेकंड सीजन, वो साल आई थिंक मनेरिया एंड बिस्ट ने बहुत सारे, बिस्ट हाईएस्ट स्कोरर था, बिस्ट ने 1300 कुछ रन किया था टोटल ओवरऑल राइट। अशोक ने शुरू के 3 इनिंग में अच्छा किया, देन ही गॉट इंजर्ड एंड ही वेंट टू जर्मनी, उसका हर्निया का कुछ प्रॉब्लम, तो लास्ट के 3 मैच वो खेल नहीं पाया था, क्वार्टर सेमीज एंड फाइनल्स, सो लीग के बाद वो चला गया था जर्मनी, बट इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन ह्यूज था। सी हमारा एक्चुअली केपी एक्चुअली हमारे साथ जो 2 साल में हुआ, व्हेन वी नीड अ हीरो द हीरो विल बी देयर, वो वाला स्टोरी था।
जब भी हम फंसे सो हरियाणा में हम फंसे, वी गॉट आउट ऑन 89, देन द वे ऋतुराज सिंह बोलिंग, द वे दीपक चहर बोलिंग, द वे पंकज सिंह बोलिंग, वी कम बैक. सेकंड इनिंग में द वे विनी सक्सेना बैटिंग इन सेकंड इनिंग, ही स्कोर 36 एंड पुश विकेट 36 वाज लाइक 100 बराबर है. सो व्हेन वी नीड अ हीरो ओवर देयर इन मिडल, वी ऑलवेज हैव अ हीरो के भाई यार ये जीता के लाएगा. सो और एक मैच ने यार, अगर आप दोनों साल में उठा के आप 18 मैच देखेंगे और 18 में से हमने खेले होंगे अगर 25 या 26 इनिंग, इवन बोलिंग में भी हमने 30 इनिंग करी होगी. सो एक पर्टिकुलर ऐसा पर्सन था जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया था, तो दैट्स एक्चुअली सीक्रेट था हमारी टीम का. राइट, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आप देख सकते हो कि दोनों चैंपियन हुए रणजी ट्रॉफी, और हम दोनों यही सेम बता दें कि जो भी टीम जीतती है, वो क्रुशल टाइम, जो टाइम राइट टाइम रहता है, वहां पे एक प्लेयर, कोई भी एक या दो प्लेयर वो टाइम में परफॉर्मेंस करते हैं. अगर आप देखोगे कौन सा भी सिचुएशन यहाँ से वहां होता है, वो राइट टाइम में परफॉर्मेंस करना जरूरी है, और जो प्लेयर राइट टाइम में परफॉर्मेंस करता है उसका मतलब जो लेवल रहता है वो ऊपर, मतलब उसको सिलेक्टर्स भी उसको देखते कि हाँ भाई ये इसका, इसको प्रेशर हैंडल कर सकता है, प्रेशर टाइम में ये खेल सकता है, तो ये याद रखो कभी भी. तो आपका जो हरियाणा वाला इनिंग्स बोले ना आपने, हरियाणा हैदराबाद वाला इनिंग्स. बिफोर दैट केपी, आई वांट टू शो यू समथिंग इफ यू रिमेम्बर दिस. मेरा पहला बॉल है क्या? सो यू हैव टू गेस द बैट्समैन एंड बॉलर. बॉलर तो ऑब्वियसली बैट्समैन. सो ये मैच याद है कि नहीं याद? राइट जयपुर में. राइट, ये मेरा सेकंड सीजन का था, सेकंड मैच था ये अपना रणजी ट्रॉफी का. ये जयपुर में केएल सैनी स्टेडियम पे, सो यू गॉट रॉबिन ब्रिस्ट एंड विनर इन वन ओवर. हां आया था बैटिंग एंड देन वी नीड अ पार्टनरशिप बैडली. सो एक्चुअली जैसे हैदराबाद वाले इनिंग जो सेंचुरी बनाई थी क्वार्टर फाइनल में, उससे ज्यादा मैं अगर रेट करता हूँ किसी इनिंग को, उससे ज्यादा ऑब्वियसली यार क्वार्टर फाइनल सेंचुरी और टीम फंसी हुई है, बट ये वाली इनिंग में, ये वाली जो इनिंग है इसको भी मैं रेट थोड़ा ज्यादा हाई करता हूँ. क्यों? क्योंकि द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग यू गाइज हैव अनबिलीवेबल. और व्हेन यू बॉलिंग ना, मेरे को ऋषि भाई ने पहले बोल दिया जब मैं पैड कर रहा था कि उसका बॉल है ना एक तरफ नहीं चलेगा, उसका बॉल दोनों तरफ चलेगा. सो मेक श्योर यू रेडी फॉर द इनकमिंग बॉल रादर देन द आउटगोइंग बॉल, क्योंकि तू शेप में रहेगा ही तो आउट ऑफ शेप हो जाएगा जब तक बॉल आएगी. सो मेक श्योर यू स्टैंड और अंदर के लिए रेडी रहना. सो आई रिमेम्बर दैट लाइन, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ आप बोल डाल रहे थे और रॉबिन और अशोक दोनों आउट हुए थे. सो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि इसको संभल के खेलना, डोंट टेक इट लाइटली. सो मुझे अच्छी तरह याद है वो लाइन. एक्चुअली क्या हो गया कि मेरा बॉलिंग में सबको लगता है कि पार्ट टाइम, और एक्चुअली मैं एज ग्रुप भी एज ओपनिंग या फर्स्ट टाइम बॉलर करके खेलता था, और मतलब रेगुलर बॉलिंग क्लब लेवल में, क्योंकि हमारे टीम में ऑलरेडी 6 बॉलर रहते थे रणजी ट्रॉफी में, तो इसलिए मैं इतना बॉलिंग नहीं डालता था, और मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ करके मेरा इतना फोकस नहीं रहता था बॉलिंग पे, कि मुझे मालूम मेरा लाइन और स्विंग में मैं एक्यूरेट हूँ, पर स्पीड जो रणजी ट्रॉफी के लिए चाहिए उतना नहीं है. मैं मुझे पता है मैं 115-118 गांगुली. अगर आपको पता नहीं रहता था मैं अच्छा स्विंग करता हूँ, जैसे मनेरे और दोनों को अंदर आके स्विंग सीम हुआ था, पर आपका बॉल पहले ही बॉल अंदर, और आपने जो जिस तरह से खेला कि जिसको पता रहता वो वही बैट्समैन खेल सकते, जैसे आपने कनेक्ट करने आपको बताया, तो आप अगर रेडी नहीं रहते तो पहले ही बॉल आप खाते थे पैड पे. पेस ऐसी चीज है कि आप ऑलवेज जब कम पेस वाला होता ना तो आप थोड़ा कैजुअल रहते हो. शार्दुल डाल रहा था बॉल, धवल खत्म कर चुका था, शार्दुल आया था एंड ही यूज्ड टू बॉल वेरी क्विक. सो आप ज्यादा टेंटेटिव पेस पे रहते हो, फास्ट बॉलर पे रहते हो, तो जब आप आए बोल डालने तो आई न्यू एग्जैक्टली कि ऋषि भाई ने मुझे बोल दिया था कि यार ही इज वेरी स्मार्ट गाय, अंदर फेंकेगा तुझे. तो क्योंकि जो गलती मनेरिया और रॉबिन कर चुके थे मुझे नहीं करता था, दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड 86 नॉट आउट, और भगवान का शुक्र है कि पहली बॉल पे आउट नहीं हुआ. नहीं, और तुम लोग का मेन मतलब वो पार्टनरशिप तोड़ा था हम लोग ने, ऐसा लग रहा था कि बैटिंग पिच था, ऐसा लग रहा कि आप 600 मार दोगे, और सब 6 के 6 बॉलर हो गए यूज. बाद में मैं और सूर्या नॉर्मली कैसे, जब वो 2-3 साल हमने अच्छा क्यों किया कि जब भी हमारे बॉलर थक जाते थे वो टाइम में मैं या सूर्या आता था, अगर क्रुशल विकेट निकल के बॉलिंग बंद हो जाती थी हमारी, तो वो एक प्लस पॉइंट था कि हम दोनों बॉलिंग डाल सकते थे. नॉर्मली कैसे होता है पार्ट टाइम मतलब लूज बॉल डालेगा, 2-3 बाउंड्री कभी विकेट निकल गए, तो वैसा नहीं था.
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोचिंग. तो आप रिटायरमेंट लेने के बाद आपको कैसे लगा कि आप फील्डिंग नॉर्मल कोचिंग जो नॉर्मल कोचिंग नेट्स रहता है तो हेड कोच रहते हैं तो आपको ऐसा कि कब लगा कि आप फील्डिंग कोच होना चाहिए. इसके पीछे है ना पूरा एक माइंडसेट था मेरा. आप जब भी आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो, आप जब जूनियर होते हो, फिर आप सीनियर बनते हो, व्हेन यू बिकम इन द 30s आप जाते हो, आपको आइडिया लग जाता है, आप मेंटरशिप स्टार्ट कर देते हो जूनियर प्लेयर्स के साथ, जूनियर कीपर्स के साथ, लोगों को कोचेस के साथ भी बैठते हो, आप अपना इनपुट भी देते हो. सो बीइंग अ सीनियर प्लेयर आई वाज टू मच इनटू दैट जोन के कैसे अप्रोच करेंगे इस मैच को, या कैंप कैसा होना चाहिए, या क्या शेड्यूलिंग होनी चाहिए. सो एट द एज ऑफ 30-31 में स्टार्ट हो चुका था, मेरा थोड़ा सा डायमेंशन चेंज हो रहा था और मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करता था हमारे हेड कोच के साथ, अमित असावा जी के साथ, कि सर ये करते हैं, सर ये सिनारियो बनते हैं, अपन लोग वनडे अच्छा नहीं खेलते हैं तो अपन कंपल्शन करते हैं कि हर तीसरी बॉल पे सिंगल नहीं लेगा अगर ओपन सिनारियो में, सो -10 होगा. सो लॉट ऑफ इनोवेशन आई स्टार्ट डूइंग दोज डेज. फिर क्या होता था कि कोचेस की जब कमी होती थी तो जब आप कीपर हो सो आप क्या करते हो कि चलो यार कोई खाली खड़ा तो उसको कैचेस भी दे देते हैं. सो अगर आप लेफ्ट हैंड से ग्लव्स में पकड़ के अगर छोटा बैट होता तो आप कैच देना स्टार्ट कर देते हो. बीइंग अ सीनियर प्लेयर आप हेल्प करना चाहते हो टीम को या कोचेस को कि भाई यार सपोज स्टाफ एक या दो ही है और बल्क ज्यादा है. सो वो करते करते आई रियलाइज कि मैं नीदरलैंड्स में भी खेला हूं तो वहां पे भी मैंने जूनियर टीम थी नीदरलैंड्स की. हाँ सो वहां पे भी मैंने 7-8 दिन का मैंने क्लासेस ली थी. सो सडनली धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि मेंटोरशिप, कोचिंग, फील्डिंग कोच की तरफ झुकाव हो रहा है. ऑब्वियसली डायनेमिक्स बैटिंग के, बॉलिंग के सीखते हो, कीपिंग के आप टाइम पर एक्सपीरियंस आता है, आप पढ़ाई भी करते हो, आप रिसर्च भी करते हो. बट फील्डिंग कोच के लिए मेरे को इम्पोर्टेंट इसलिए मैं फील्डिंग कोच में कूदा कि फर्स्ट मैं फिट था और क्योंकि मैं जब जिस साल मेरे 2017 में रिटायर हुआ मैंने यो 18 point something कुछ किया था तो मैं फिट था. सेकेंड चीज फील्डिंग कोच के लिए आपको जैसे आप किसी भी बड़े स्टेज पे जाओगे आप फील्डिंग करोगे 45 minutes सो यू नीड एब्सोल्युटली एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट. 45 minutes में आप कभी भी थक नहीं सकते हो तो अगर आप फिट नहीं हो तो आप नहीं मार सकते हो. सो ओल्ड एज के कोचेस वंस दे बिकम 55 तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है. सो वो पाथ चूज करना. प्लस तीसरा बीइंग अ कीपर आई कैन कवर ऑल द एरिया ऑफ फील्डिंग. कीपिंग भी कवर हो जाती है, फील्डिंग डायनेमिक्स भी कवर हो जाती है क्योंकि जब इनिशियली मैं रणजी ट्रॉफी में आया तो रोहित भैया कीपर थे. सो मेरे 20% गेम में मैंने फील्डिंग भी की है, स्लिप पॉइंट पे, स्लिप में, सो वन डेज में, T20s में मैंने फील्डिंग भी की है. सो वो सब एरिया सब कवर होके सो एक पूरा एक बबल बन गया मेरे आसपास कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ. सो इफ यू एंटर इनटू द कोचिंग फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट. सो मुझे परफेक्शन अगर मैं स्ट्रेट अवे बैटिंग कोच में उतर जाऊं आई डिडंट डू एनी रिसर्च और या बॉलिंग कोच में उतर आई डोंट नो हाउ टू डील विद द एरर्स तो दैट्स नॉट करेक्ट फॉर द प्लेयर्स. तो मेरे को यू था कि यार फील्डिंग ऐसी जगह है जहां मैं फुल पकड़ मेरी हो सकती है. देन व्हेन आई रिटायर इन 2017 उसके अगले दिन मैं फील्डिंग के जो जो भी ड्रिल्स बना सकता था मेरी किताब में जो मैंने सेकंड इनिंग ऑफ एक बुक है मेरे पास जो मैंने लिखी है मतलब नोटबुक कि मैं क्या कर सकता हूँ सेकंड इनिंग में. खुद के नोट्स हाँ खुद के नोट्स यस. तो उसमें मैंने ड्रिल स्टार्ट किए इनोवेट करना तो धीरे धीरे रोज ड्रिल करता था फिर उसको एग्जीक्यूट करता था ग्राउंड पे. सो मैंने नवंबर में रिटायरमेंट लिया और मार्च में फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया गया राजस्थान रॉयल्स के कैंप में कि आपके पास क्या है, आप क्या डिलीवर कर सकते हो. तो वहां पे 11 प्लेयर थे, अज्जू भी था, संजू भी था. तो वहां पे फर्स्ट टाइम मैंने फील्डिंग ड्रिल्स इनोवेट वहां पे जो इनोवेट की थी वो मैंने एग्जीक्यूट की. सो दे लाइक इट टू मच के और एनर्जी के साथ की. सो मैंने वो सेशन कुछ 35 मिनट का लिया था और 3 drills करवाई थी. तो वहां से उनको लगा कि यार नहीं यार ही एक्चुअली इसने थोड़ा कमांड लिया है, इसमें कमांड आया और कल्चर मेरे को पता ही था राजस्थान रॉयल्स का क्योंकि इतने साल 5 साल के तो वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर था ही. तो वहां से वो जो चीजें मैंने माइंड में सोची थी वो एग्जीक्यूट होती गई और फिर रिजल्ट मिलता गया. एक्चुअली मुझे भी लगता है वो कोचिंग का कीड़ा यूरोप से ही आता है क्योंकि मैं भी सब चाहता था. तो वहां से बच्चे लोग को जब सिखाने लगते हो क्योंकि अपना जो भी एक्सपीरियंस रहता है हमें जो कोचेस ने सीखा है हमको क्या अच्छा लगा है ऊपर से
इंग्लैंड का कंडीशन अलग, उन लोग का क्रिकेट थोड़ा अलग रहता है, वहां पे आपको पता है कि पहले सेफ्टी देखते हैं, हमारे इधर कोच के पास पहले गए तो सीधा बैट कैसे पकड़ना है उसे कहते, सेफ्टी का कभी बात आता नहीं है क्योंकि हम थोड़े रफ एंड टफ वाले, तो वहां पे पहले सेफ्टी फर्स्ट आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल। तो वैसे मैंने भी, मेरा सर्जरी हुआ था आई थिंक थर्ड सीजन के बाद, मेरे थर्ड सीजन सर्जरी हुआ था शोल्डर का, तो उसके बाद में मैंने ठाणे डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, तो वहां पे इतना अच्छे कोचिंग एकेडमीज नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कोई खेले हुए नहीं है, तो मैंने भी यहाँ पे स्टार्ट किया, आपको तो पता ही है मेरा अपडेट तो आप देखते रहे हो तो वैसे भी वैसे एक एक अपना यूट्यूब चैनल तो है, उसमें भी मेरा जो जैसे आपने कहा कि कुछ नया नया डालना पड़ता है, मैंने भी थोड़ा बैटिंग का रिसर्च किया कि ये कर सकते हैं, वे ट्रांसफर करने के लिए ये एक नया ड्रिल हो सकता है, तो मैंने भी एक स्टार्ट किया। तो नॉर्मली कोचिंग में वही रहता है कि आपको अपना खुद का क्या अलग डाल सकते हो, रिसर्च करके ऐसे भी डालो, आपको रिसर्च करना और उसका फायदा क्या मिल सकता है तो आपको वो देखना पड़ता है। तीन साल में मैंने जो एक जो चीज सीखी है और समझी है कि एक अच्छा कोच वही है जो प्लेयर के स्किन के अंदर उतर के समझे कि एक्चुअली व्हाट ही सफरिंग फ्रॉम, वो एक्चुअली किस चीज से गुजर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि आप अच्छी बैटिंग करते हो, आप अच्छा कवर ड्राइव मारते हो, आप अच्छा बैकफुट डिफेंस करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी कर पाएगा, एक्चुअली वो किस चीज से गुजर रहा है। और ट्रस्ट गेन करना, ट्रस्ट अगर एक किसी प्लेयर को एज अ कोच पर ट्रस्ट आ गया कि वो जो बोल रहा है मुझे आंख बंद कर करनी है क्योंकि वो मेरे भले के लिए कर रहा है और इससे चीजें सही हो जाएंगी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कोचिंग। अगर प्लेयर आप पे ट्रस्ट करता है आंख बंद करके, सो एग्जैक्टली आपने 90% बैटल तो वहीं जीत लिए, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस अ लॉट। आपको केपी आप खेलो बॉम्बे में भी, यू प्लेड ऑन द रेड विकेट, यू प्लेड ऑन द फ्लैट विकेट, यू प्लेड ऑन द ब्लैक विकेट, जो भी हर तरह का आपको पता है कि ब्लैक विकेट स्किप करती है, रेड में बाउंस करती है, लेकिन क्या प्लेयर को कोच पे ट्रस्ट है? तो आप जब बोलोगे ना कि ज्यादा कमिट नहीं होना, लाल बॉल पे आगे बॉल ऊपर से उड़ेगा, सो वो जो ट्रस्ट का लेवल है ना सर ने बोला है तो वो कभी कमिट नहीं होएगा, लेकिन अरे नहीं यार मेरे को नहीं, तो वो अच्छा कोच है। वो मैंने सीखी है तीन साल में कि इफ यू आर गेटिंग अ ट्रस्ट ऑफ अ प्लेयर 90% बैटल आप ऐसे जीत गए। ओके, तो आपका राजस्थान रॉयल्स का एज अ प्लेयर का एक्सपीरियंस बताओ, एज अ प्लेयर। ये इसमें क्या हुआ, 2010 में सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी हुआ था, उसमें चार लीग मैच में आई स्कोर 192 और आई वाज सेकंड हाईएस्ट गेटर आफ्टर यूसुफ पठान, सो उनके भी कुछ 11 छक्के थे, मेरे भी 11 छक्के थे। तो उस टाइम क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट पेपर आता था, उस टाइम ऑक्शन नहीं होता था। तो आई गॉट कॉल फ्रॉम मुंबई इंडियंस, भरत रेड्डी सर थे, कवलजीत सर थे हैदराबाद से, उनका भी फोन आया था, एंड राजस्थान रॉयल्स ऑब्वियसली वो यही मैच ही देख रहे थे वो लोग पूरा, क्योंकि जयपुर में हुआ था। सो आई वॉज सो कंफ्यूज कि मुंबई यार, ऑब्वियसली एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू मुंबई, बट लेकिन इसमें मैंने मेरे डैड को, आई वॉन्ट टू थैंक माई डैड, उन्होंने मुझे बोला था कि इफ यू वांट फेम गो टू मुंबई इंडियंस, बट इफ यू वांट गो टू राजस्थान रॉयल्स, सो इफ यू वांट फैमिली, दैट टाइम स्टिल मैं कंफ्यूज था, बट हमारे सेक्रेटरी जो संजय दीक्षित सर थे, राजीव खन्ना जी थे, उन्होंने गाइड किया मुझे कि मुंबई इंडियंस ग्रेट टीम है, सचिन सर के अंदर में रहेगा बहुत, बट अपॉर्चुनिटी मिलने का, उस टाइम 35-35 प्लेयर लेते थे, चार चार पांच पांच कीपर लेते थे, सो आर यू गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटी, वो उसका किसी का पता नहीं था। सो फिर आई चूज राजस्थान रॉयल्स ओवर मुंबई इंडियंस, एंड थैंक गॉड मैं 27 गेम खेला। नहीं एक्चुअली वो कोई भी, अगर मुझे भी, इवन धवल कुलकर्णी का मैंने देखा है, धवल कुलकर्णी बहुत साल मुंबई इंडियंस में था, उसको हार्डली कुछ चांस मिला था, जब भी खेला परफॉर्मेंस किया तो भी रोटेशन पॉलिसी रहेगा कि पता नहीं मुझे, पर उसको इतना मैचेस नहीं मिलते थे जितना जो बाकी के बॉलर, क्योंकि वो बहुत सारे विकेट्स निकाल रहा था डोमेस्टिक में, तो उसको जो इंडिया का लोगो मिलने के लिए। हाँ क्योंकि इसमें एक चीज है कि मतलब ठीक है कि आप चांस नहीं मिला, बहुत लोगों को चांस नहीं मिला, बट लेकिन मेरे को मेरे सीन में ऐसा लगता है कि यार अगर आपकी टीम में सामने धोनी खेल रहा है या पार्थिव पटेल खेल रहा है या कोई आपसे अच्छा क्विंटन डिकॉक खेल रहा है, सो इफ यू आर नॉट गेटिंग चांस, वो किसी फ्रेंचाइजी की भी गलती नहीं है, बट आर यू ऑन दैट लेवल और नॉट, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स में मेरे को चांस मिला और मैंने उसी चांस को ग्रैब किया, दैट्स जो मेरे साथ सबसे अच्छी चीज हुई फर्स्ट ईयर में, तो थैंक उसके लिए फिर भगवान का थैंक यू है कि चांस मिलते या परफॉर्म कर दो तो आप रहते हो हमेशा उस जगह पे।
नहीं बराबर, आपका बराबर है कि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे शॉर्ट सिलेक्शन बोलते हैं, कौन से हाँ टीम में, अगर जॉब भी मेरा भी ऐसे ही था, जॉब कौन से कंपनी का लेना है। क्रिकेट में हमें जॉब का ऑफर आते हैं, मुझे रेलवे के आया था, टाटा का आया था और डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के आए थे, तो कैसे कौन सा सिलेक्ट करना है वो भी बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि आपके क्रिकेट आप खेल रहे कि वो क्रिकेट खेलने के लिए। तो मुझे रेलवे का जॉब, मुझे लगा कि चलो जॉब मिलेगा, लाइफ सिक्योर हो जाएगी, और सब लोग बोल रहे हैं कि टाटा इज अ चैंपियन टीम इन टाइमशील, जो मुंबई में टाइमशील होता है, जैसे बाहर के प्लेयर सब खेलते हैं, आपको पता रहेगा। तो बोले इतने साल चैंपियन हुए, और अगर आपको ए डिवीजन सिलेक्ट, अगर रणजी ट्रॉफी सिलेक्ट होना है आपको, तो फिर वो टाइमशील खेलना है। तो उस हिसाब से मैंने टाटा का जॉब लिया था, और टाटा का जॉब के इतना बुरा भी नहीं है इतना, क्योंकि रेलवे में कैसे नॉर्मली जॉब को भी जाना पड़ता है, तो टाटा में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, कभी कुछ बुलाया कभी, तो वो एक प्लस पॉइंट था। और ऊपर से आपको क्रिकेट के लिए सब अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं, और टाटा में मुंबई में ही मैचेस होते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होते, आपस के प्लेयर्स रहते हैं, तो आपको पता भी रहता है। रेलवे में कैसे सब बाहर वाले, पूरा वेस्ट जोन का एक रहेगा, वेस्टर्न से बाद में उनका, वैसे और बहुत सारे उन लोग को बार बार बाहर भी जाना पड़ता है इंटर रेलवे खेलना। हाँ तो मुझे रेलवे, सिलेक्शन हाँ के लिए, अगर मुझे मुंबई खेलना है, तो यहाँ के मुझे सिलेक्शन मैचेस छोड़ना पड़ेंगे और उधर जाना पड़ेगा। तो वो बहुत सारे थे, तब मैंने वो सिलेक्शन किया, जो भी है अभी वो पुराना, पर सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट। रेलवे वाले ट्रायल पे भी बुलाते हैं बहुत रणजी के लिए। हाँ, मैं सिलेक्ट हो गया था, जॉब मिल रहा था मुझे, तो मुझे संजय हाँ मांगर साहब तो बुला रहे थे कि आ जा करके, क्योंकि मैं यंग था और प्रॉमिसिंग जैसे बोलते हैं, और वो टाइम में मैंने रन भी किए थे रणजी ट्रॉफी में, तो हाँ ये आई हर्ड प्रिपेयर अबाउट के लिए यू बहुत। उस टाइम पे। हाँ उस टाइम क्या पे आप क्या, बहुत ज्यादा आपने रन बनाए थे उस साल। हाँ वो आपके सामने भी अच्छा बैटिंग कर रहा था, 52 में आउट हुआ था, वही अनिकेत ने एक ब्रिलियंट बॉल डाला जो अंदर वाला बॉल, और हार्डली में बोल नहीं होता मैं ऐसा, अंदर वाले बॉल को बोल नहीं होता, क्योंकि मेरा बैट पास ही आता है, वो मैं ट्राई करने गया ना, तो बहुत कम रहता है कि मैं ऐसा मारू, तो वो मारने गया, आउट हो गया, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड खराब है बैटिंग पिच पे ना, मेरा रिकॉर्ड खराब है, इसलिए मैं इंडिया नहीं खेल पाया। अगर मैं बोलू ना ऐसा, सब लोग बोलते हैं स्विमिंग ट्रैक पे मेरा रन है, पर बैटिंग, अभिषेक नायर भी लास्ट टाइम इंटरव्यू में यही बोला, बोला तू स्विमिंग ट्रैक पे रन कर सकता था, बैटिंग पिच पे क्यों नहीं, मे बी कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होता है, थोड़ा हल्के में खेलता है, ऐसा बोला था मुझे, क्योंकि मैं इंडिया अंडर 23 वो सब खेल रहा था। डिफिकल्ट सिचुएशन में यू मोटिवेट योरसेल्फ, डिफिकल्ट सिचुएशन में आई थिंक यू मोटिवेट योरसेल्फ के अलग करके दिखाना है। मे भी पता नहीं मुझे सबका, और मेरा थोड़ा टेक्निक वैसा है स्विमिंग ट्रैक के लिए, थोड़ा हेल्पफुल है, पर पता नहीं बैटिंग पिच में मेरा क्या होता है माइंड सेट। मैंने एक भी शो में, फर्स्ट क्लास में 400 है, उसमें एक भी शो मैंने बैटिंग पिच में, सिर्फ न्यूजीलैंड के सामने जब प्रैक्टिस मैच हुआ था मुंबई का टेस्ट टीम के साथ, तभी मैंने शो मारा, वो बैटिंग पिच था, बाकी फर्स्ट क्लास में बैटिंग पिच में कभी रन नहीं किया फिर, तो इसलिए मेरा वैल्यू ज्यादा था कि ये स्विमिंग ट्रैक पे खेलता है तो ये अपने को चाहिए। इवन जो रणजी ट्रॉफी फाइनल था स्विमिंग ट्रैक था, बोलिंग भी साथ में स्विमिंग हाँ पे। वो बॉलिंग भी, एक्चुअली जहीर खान ने बॉलिंग दिए थे एक दो बार मुझे, एक विकेट भी नहीं खाया था, तो अभी मास्टर ने भी बोला था कि तुझे बैटिंग करना है, रन नहीं किया चलेगा, तू बैटिंग कर, तो थोड़ा वो थोड़ा वैसा वैसा बनते गया, मेरा रोल बनते गया मुंबई का, थोड़ा एक साइड पे खड़े रहने का। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉन्डिचेरी, तो आपका आई थिंक फर्स्ट असाइनमेंट पॉन्डिचेरी रहेगा स्टेट में। हाँ स्टेट वाला पॉन्डिचेरी। ओके तो पॉन्डिचेरी पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने वाली थी, तो वहां पे माहौल कैसा था? फर्स्ट टाइम जब मुझे नायर का फोन आया था फर्स्ट टाइम कि यागी तू करेगा क्या, क्योंकि मैं और नायर वेरी क्लोज, हम आईपीएल में जब साथ में थे रॉयल्स में, वी यूज्ड टू वेरी क्लोज, वी सिट टुगेदर, डिनर में साथ जा रहे हैं। सो उनका वो खेल रहे थे उस साल, फर्स्ट साल उनका पौंडीचेरी खेल रहे थे। तो उनका फोन आया कि यागी करेगा क्या पौंडीचेरी के लिए। तो आई वॉज लाइक आप हो क्या, तो बोला कि हाँ मैं हूँ। मैं कहा चलो आई मीन आप हो तो, क्योंकि राजस्थान के अंडर 19 का मुझे आ रहा था कोच के लिए। बट नायरी मेरे को, हाँ नायरी मेरे को बोला कि अगर तुझे रणजी करना है, तू आईपीएल कर रहा है तो तू रणजी करना है तो तू इस तरफ आ सकता है, ओपन गेट फॉर यू। तो मैंने कहा कि चलो आई एम रेडी। तो मैंने कहा कि और स्टाफ में, तो बोले कि अविष्कार है और ओमकार है। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि यार सुपर स्टाफ है। तो जब वहां हम फर्स्ट टाइम गए तो सी यार आप कल्चर, अगर क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी टीम कोई एंटर करती है तो आपको इट्स लॉट ऑफ केओस एक्चुअली, कैसे मैनेज करना है क्या करना। सो शुरू में
जब मैंने टीम को जब मैंने देखा तो उस टाइम थे 250 लड़के थे जो ट्रायल देने आए थे एंड स्किल लेवल वॉज नॉट दैट हाई बट लेकिन ये था कि एक चैलेंज था कि यार नहीं यार कुछ भी करके नेक्स्ट डेढ़ दो महीने बाद जब रणजी ट्रॉफी स्टार्ट होगा इस दो महीने में ऐसा करना है कि इस टीम को शेप में लाना है एटलीस्ट क्वालिफाई का नहीं सोचो बट वी हैव टू फिनिश इन फर्स्ट थ्री सो एंड प्रोफेशनल प्लेयर भी हमारे आउटस्टैंडिंग थे नायर था पारस डोगरा था पंकज सिंह था पंकज को मैं लेके आया इधर से मैंने बोला नायरी को कि यार नायरी पंकज ही वॉन्ट्स टू कम तो बोले कि अरे वेल डन यार तो सर से बात करके सो एसोसिएशन की तरफ से हमको फुल सपोर्ट था फिर हम लोगों ने धीरे धीरे मोल्ड करना स्टार्ट किया कैसे क्या करें उनको समझाने लगे फील्डिंग का डायनेमिक समझाने लगा टेक्निक पे ज्यादा काम किया बेसिक पे ज्यादा काम किया आविष्कार मैंने ओंकार ने मुझे अच्छी तरह याद है वी यूज टू वर्क 6-6 आवर्स साइड आर्म हम तीनों साइड आर्म करना स्टार्ट होते थे सो वी यूज टू थ्रो दो दो ढाई ढाई घंटे और डालते ही रहते थे क्योंकि मसल मेमोरी में उनके बेचारा मसल मेमोरी वॉल्यूम में कभी काम ही नहीं किया दे यूज टू प्ले T20 गेम्स एंड वी वॉन्ट टू प्रोवाइड दम वॉल्यूम जितने डालो जितना बोलिंग करोगे उतना खुद ही समझेंगे कैसे डिफेंड करना है कौन सी रन अपॉर्चुनिटी बॉल है कौन सी डिफेंस वाली है सो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द लॉट ऑफ वॉल्यूम इवन इन फील्डिंग ऑल्सो वी डू लॉट ऑफ वॉल्यूम फील्डिंग 45 मिनट्स के दो सेशन एक लॉट को ले गया साइड में पहले बेसिक समझाया सो लॉट ऑफ चैलेंजेस थे फर्स्ट साल में बट एट द एंड हम लोगों को जो रिजल्ट मिले आउटस्टैंडिंग वी फिनिश सेकेंड वी ऑलमोस्ट क्वालिफाई फॉर रणजी 4-day गेम नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी वी आर क्वालिफाई फॉर विजय हजारे एलिट में हम आ चुके हैं लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी में हम 3 points से रह गए क्वालिफाई करने के लिए सो वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ पांडिचेरी फ्रॉम लास्ट और कुछ एक मैच कुछ तो वॉश आउट भी हुआ था उसके लिए उसके वजह से भी दो मैच वॉश एक में लीड लेके वॉश आउट हो गया अच्छा नहीं तो फिर क्वालिफाई हो जाते थे हाँ वही फिर हरा देते हम उत्तराखंड से ऊपर हो जाते थे क्वालिफाई हो रहे थे हम ओके और राजस्थान रॉयल्स में जब आपको मिला फील्डिंग कोच का चांस मिला अपॉर्चुनिटी मिला तो आपको राजस्थान रॉयल्स में सबसे बेस्ट फील्डर कौन लगता है देखो वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर है वो रविंद्र जडेजा के स्ट्रेचर का फील्डर है बेन स्टोक्स जब मैं फर्स्ट एंटर हुआ उसका मैंने वर्क एथिक्स देखा जब बेन स्टोक्स का कि यार ही यूज्ड टू फील्ड फॉर लाइक आर और ऐसे नहीं है कि एक ही जगह पे कर रहा है सो जब फर्स्ट सेशन मेरा था एक्चुअली मैंने क्या किया कि मैंने उनको ऐसा बोला कि नेट्स वाले नेट्स करेंगे जिसको भी फील्डिंग करना है स्टेडियम में अंदर मेरी तरफ आ सकता है आई यूज टू डू ऑल सेटअप कि किसको क्या करना है कौन स्पेशल पोजिशन पे काम करूंगा ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बाउंड्री पे फील्डिंग करता है उसको शॉर्ट कवर से कैच करा रहा हूँ सो मैंने सेटअप कर रखा था सबके लिए मीडियम पेसर आएंगे उनको शॉर्ट फाइन लेग का कराऊंगा शॉर्ट थर्ड मैन का कराऊंगा फाइन लेग डीप फाइन लेग लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ का कराऊंगा ये सब पूरा मैंने पेपर पे सब कुछ सो एक एक लोग करके आते गए सबको करा था क्या बेन स्टोक्स आया रात को 9:30 बजे लाइट्स में बेन स्टोक्स आया बोला कि ओके लेट्स स्टार्ट तो मैंने कहा ठीक है कि मैंने उसको बोला कि व्हाट्स योर प्रेफरेंट प्लेसेस कहाँ का करने सो उसने बोला कि यार आई यूज्ड टू डू एवरीवेयर तो वो स्टार्ट हुआ पॉइंट्स पॉइंट पे उसने कैच पकड़े कवर्स पे कैच पकड़े मिड ऑफ पे पकड़े मिड ऑन पे पकड़े मिड विकेट पकड़े स्क्वायर लेग पकड़े लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ स्वीपर डीप मिड विकेट थर्ड मैन फाइनल लेग एक घंटा मैंने मारा उसको कैचेस और एक घंटे बाद जो फर्स्ट थ्रो की जो इंटेंसिटी थी मेरे ग्लव्स पे बेसबॉल मिट में लास्ट 59 मिनट खत्म होने के बाद भी सेम इंटेंसिटी थ्रो सो उसकी जो एनर्जी फील करी मैंने और मैं समझ गया कि व्हाई ही इज बिकम द वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स क्योंकि केपी मेरे को ऐसा लगता है कि अपन लोग जैसे बीइंग आप कोच बनोगे अवे आगे जाके मैं अभी कोच हूं मुझे ऐसा लगता है कि है ना फील्डिंग ऐसी चीज है कि उसके लिए टैलेंट कम चाहिए और ये आदमी का पैशन जो अंदर जुनून है ना वो ज्यादा चाहिए क्योंकि अगर आप सड़क पे कोई चल रहा होगा उसको आप बैटिंग कराओगे बोलिंग कराओगे यू नो अंडरस्टैंड नहीं करेगा डायनेमिक्स को लेकिन उसको फील्डिंग बोलोगे ना कि उस डंडे पे थ्रो मार तो समहाउ ही मैनेज वो डंडे के आसपास थ्रो फेंकेगा या उसको समझाओगे कैच पकड़ तो समहाउ ही तो फील्डिंग के लिए टैलेंट नहीं चाहिए अगर फील्डिंग में वॉल्यूम पे काम करते रहो तो आफ्टर 6 months ही विल बी इन मास्टर लेकिन बैटिंग में आप बोल नहीं सकते कि 6 महीने बैटिंग करने के बाद भी वो बंदा बैटिंग कर पाएगा सो उसका जो बेन स्टोक्स का मैं बहुत बड़ा फैन हो गया उस दिन से और हर बार 40 मिनट एक घंटा जब भी करने आता था और वो मेरे को इनपुट भी खूब देता था हम दोनों बैठ के खूब ड्रिल्स भी बनाते थे रूम पे बुलाता था डिनर ऑर्डर करता था
यागी वी कैन डू दिस वी कैन डू दैट, महिपाल ज्वाइन करता, संजू डोमेस्टिक में वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है संजू सैमसन, संजू के हम संजू के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते थे कि ये वाला ड्रिल कराते हैं संजू को फील्डिंग में. सो हम लोगों ने बहुत बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा रहा हमारा. और अजिंक्य के रहा ने आज वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड भाई उसके हाथ, आई नो हिम फ्रॉम 2011 हम दोनों एक ही ड्रेसिंग रूम के पार्ट रहे हैं. एक तो उसका अप्रोच बॉल की तरफ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अगर आपको लगता है कि उस बॉल की तरफ मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, ही नेवर, वो हमेशा बॉल से एक सेकंड पहले ही पहुंचेगा नीचे, या स्लिप्स में या शॉर्ट कवर्स में. उसके हैंड्स, मतलब अगर मैं कुछ किसी से मांगू ना नेक्स्ट जन्म में तो मुझे अजिंक्य रहाणे के हाथ चाहिए. हाथ मस्त है उसका, सॉफ्ट हैंड्स, वन ऑफ द बेस्ट हैंड्स, सॉफ्ट जो उसका रिसीविंग है, एल्बो सॉफ्ट, वन ऑफ द बेस्ट हैंड्स. So, मैंने उसके फील्डिंग में मैंने देखा है वो जो कैचिंग करता है वो हाथ ऊपर से इतना नहीं लेता, यहाँ से ही रखता है, पर जो उसके हाथ जो सॉफ्ट रहते हैं वो क्लास रहता है, मतलब अलग लेवल. एल्बो, सो मैंने एनालिसिस वीडियो में भी मैंने एनालिसिस किया उसके, सो उसका एल्बो है, एल्बो इज सॉफ्टर देन द हैंड्स. So, उसका जो शॉक जो बॉल इतना फोर्स लेके आता है तो वो शॉक यहाँ से अब्सॉर्ब करता है, यही रखता है वो हाथ, कभी भी ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे पकड़ेगा. उसके एल्बो बहुत सिंक्रोनाइज्ड वर्क करती है विद हिज रिस्ट एंड हैंड्स, सो बहुत सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है उसका. और स्लिप्स में तो यार अनबिलीवेबल है. ओके, थोड़े रिवर्स क्वेश्चन लेते हैं अभी, क्योंकि मैंने रिवर्स क्वेश्चन थोड़ी बढ़ा थे, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली जब भी कीपर्स कैच छोड़ते हैं या फिर बहुत सारे बाइस देते हैं तो मेंटली आपको पता है कि आपके साथ भी हुआ रहेगा जब आप अमेचर लेवल में थे, इवन भी एक इम्पोर्टेंट कैच छूट जाता है, वो कैच फॉर्म बड़ा करता है, तो वो टाइम में आपका माइंडसेट, आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी व्यूअर्स हैं जो कीपर हैं देख रहे हैं, और केपी आपको आपने जो क्वेश्चन पूछा है, देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये आई के अलावा एक और आई अपने पास, वो है माइंड की आई. सो जब भी आप कोई एरर करते हो तो आपकी माइंड आई क्या करती है, पास्ट को देख रही होती है, जो आपने पास्ट में एरर किया वो बार बार रिवाइंड प्ले करता रहता है. आपकी जो आई है वो सामने जो गेम चल रहा है उसको देख रहा है, क्योंकि आपने जब कैच छोड़ दिया, जब आप वापस टिपिंग करते हो तो माइंड की आई तो उसको ही वापस रिवाइंड प्ले कर रही है, और आप प्रेशर में आते रहते हो. तो आपकी आई क्या करती है, थोड़ी देर बाद सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करना बंद कर देता है, आप ऑटोमेटेड जोन से हट जाते हो. तो उस टाइम इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो माइंड की आई और आपकी जो रियल आई है वो दोनों एक ही चीज पे फोकस करे, वो है बॉलर की हाथ की रिलीज पे. अगर आप माइंड की आई पास्ट देख रही है, दूसरी माइंड आप ये वाली आप फ्यूचर देख रही है कि यार मैं जब ड्रेसिंग रूम में जाऊंगा कोच क्या बोलेगा या कैप्टन क्या बोलेगा, या एक हाथ कैच छूट गया फिर उसके बाद क्या होएगा, मैं अगला मैच खेलूंगा. सो यू आर नॉट इन द प्रेजेंट. एंड एक्चुअली मैं क्रिकेट में जो बेस्ट इंसान करता है वो रिएक्शन जितना अच्छा देता है वो इतना अच्छा प्लेयर बनता है. जितना जो ब्लैंक रहता है, जितना जो सबकॉन्शियस माइंड से रिएक्ट करता है, जो उसकी एग्जैक्टली मसल मेमोरी में फीड होता है, उससे वो अगर आंसर देता है क्वेश्चन का, सो ही उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि क्रिकेट में आप देख लो, जब भी आपकी कवर ड्राइव, आपने वॉल्यूम पे काम किया, आपने मसल मेमोरी पे काम किया, जैसे कवर ड्राइव की बॉल गिरती है आप अपने आप कवर ड्राइव मारते हो. लेकिन एक चीज याद रखना, वो कवर ड्राइव खराब लगेगा कब, जब उससे पहली दो बॉल बाउंसर है पास से गई हो और एक्सपेक्ट बाउंसर ही आएगी, फिर वो जब कवर ड्राइव की बॉल आएगी ना तो आपकी माइंड की आई बाउंसर सोच रही है एंड बॉल कवर ड्राइव की है, पैर नहीं निकलेगा, सिर्फ हाथ हाथ चलेंगे. क्योंकि आप रिएक्शन दोगे, हाफ हार्टेड रिएक्शन दोगे कि माइंड की आई बाउंसर को ढूंढ रही है. सो जितने भी कीपर हैं, आप जब एरर करते हो तो फर्स्ट शट योर माइंड आई, शट कर दो इसको एकदम, कुछ पास्ट प्रेजेंट दोनों को शट कर दो. ट्राई टू बी इन द बेसिक जोन. बेसिक जोन क्या है, जब फर्स्ट बॉल जब आप कीपिंग करते हो किसी मैच की, तो उस टाइम आपका जो नर्वसनेस, फोकस, बटरफ्लाई जो है वो सेम रहनी चाहिए. कीपर खराब क्यों करता है, जैसे गेम प्रोग्रेस करता है डेज में, स्पेशली जैसे आप लंच प्रोग्रेस करता है तो आपकी नर्वसनेस कम होती जाती है. आपकी नर्वसनेस कम क्यों होती है, क्योंकि आपको लगता है कि यार अब सब चीज सेट है, अब मैं आराम से पकड़ रहा हूं बॉल. सडनली एक कैच आता है तो, क्योंकि आप अपने आप को नर्वस होता है इंसान, तो फिर क्या बॉल देखता है. बैटिंग में भी सेम है, नेट में और मैच में फर्क ही यही है, क्योंकि नेट में सिर्फ वो स्किल एग्जीक्यूट कर रहा है, मैच में प्रेशर के साथ स्किल एग्जीक्यूट करना है. तो जब प्रेशर आता है तो माइंड की आई प्रेशर देख रही होती है, सो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है. तो कीपिंग में यही है कि आपकी माइंड की जो आई है उसको शट कर दो, और ये जो आईज है रिलीज देखो, जस्ट जस्ट बेसिक
बेसिक फर्स्ट बॉल जो सोचते हो ना नर्वसनेस, हर बॉल फर्स्ट बॉल है ये सोचो, तो मेरे हिसाब से एरर के चांस कम हो जाएंगे। टेक्निकल एरर है, गो टू द नेट्स, वर्क हार्ड। राइट राइट, परफेक्ट। एक का क्वेश्चन है, उसका नाम है मूसा। हाउ कैन वी इंप्रूव डाइव कैचिंग स्किल्स? सो डाइव कैचिंग स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट आर्ट, टेक्निक है पूरी प्रॉपर। आपको जितने भी जॉइंट्स हैं, जो भी जॉइंट्स हैं, नी हुआ, एल्बो हुआ, जब भी आप डाइव करोगे ना, एक तो आपका जो रिदम है, रिदम आपको गिरने का रिदम है ना, हाँ। रिदम का गिरने का रिदम ब्रेक में नहीं होना चाहिए, एक ही साथ होना चाहिए। सेकेंड चीज, जो कंपाउंड मसल है, जितनी भी बड़ी मसल होती है, कंपाउंड मसल मतलब जो ये आपका बैक है, आपकी बम है, आपकी आईटी बैंड्स है, कोशिश करो फर्स्ट इंपैक्ट ये कंपाउंड मसल पे गिरे, क्योंकि जो छोटी मसल होती है वो शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो अगर ये छोटा, जैसे इस पे शॉक लगेगा आपकी बॉडी का, तो ये पॉप आउट हो जाएगा, फिर रिस्ट गिरेगी। कंपाउंड मसल क्या होती है, बड़ी होती है, जितनी बड़ी मसल पे है तो क्या शॉक एब्जॉर्ब कर देती है, तो आपके हाथ से बॉल छूटने के चांस कम है। सेकेंड चीज, मैं बात कर रहा था रिदम की, अगर आप किसी फ्लो में गिर रहे हो तो ये मत सोचो गिरते टाइम कि मैं ब्रिक पीसेस में गिरूं, नहीं, आपको पूरा ग्रेविटी के साथ नीचे गिरना है। आप जब भी सोचोगे ना मुझे लग जाए या मैं सीक्वेंस में कूदूं, सो कोई ना कोई छोटी चीज, छोटा आपका पार्ट बॉडी का वो पहला टच होएगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करो काउंटर बैलेंस करती है बॉडी। जब भी आप बाथरूम में स्लिप होते हो आगे की तरफ, तो आपका ये हाथ पीछे टेका ले देता है, क्योंकि आपको सर को नहीं टकराने देना। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आप जब रिस्ट गिरते हो, तो मोस्ट ऑफ टाइम आपका रिस्ट पे बहुत जर्क आता है, क्योंकि बॉडी का पूरा उस पे आता है, और आप जर्क आएगा तो वो हाथ छूटेगी बॉल। सो कोशिश करो जब भी डाइव कैचेस करो, रिदम में कूदो, आर्ट है ये टेक्निक है, वो आप करते 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 आप स्टार्ट करो, आप पहले गद्दे पे कूदना स्टार्ट करो जिससे आपको लगे कम, और रिदम में आपको डर भी निकल जाएगी। बहुत लोग डरते हैं डाइव मारने के लिए, हाँ ऑब्वियसली वही डर निकालना है। रिदम में कूदोगे, आपकी बॉडी को ग्रेविटी को सुब देना है, पूरी ग्रेविटी की तरफ जाना है, क्योंकि आप सोचोगे ग्रेविटी की तरफ जा रहा हूं मैं, गिर जाऊंगा, और तो आप हाथ टेकोगे या कुछ भी करोगे, रिस्ट करोगे तो निकल जाएगी, एल्बो लगेगी तो निकल जाएगी। सो स्टार्ट डाइविंग ऑन योर बैक ऑफ द शोल्डर। राइट, ओके। एक का क्वेश्चन है कुणाल, बेसिक टिप्स अबाउट बिकमिंग अ ग्रेट फील्डर। बेसिक टिप्स अबाउट बिकमिंग अ ग्रेट फील्डर। बेसिक टिप्स, हाँ, सो मैं जैसे केपी को भी बोला मैंने कि आपके पास अगर फील्डिंग का टैलेंट नहीं है, सो इट डजंट मैटर कि आप बड़े फील्डर नहीं बन सकते, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग इन द वॉल्यूम। कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप फील्डिंग कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, फिटनेस और फील्डिंग ये दोनों एक दूसरे के भाई है। सो एक भाई अगर रूठ गया तो घर में लड़ाई होनी पक्की है, तो वसीयत के लिए लड़ाई होनी पक्की है कि किसके पास वसीयत जाएगी। सो फिटनेस और फील्डिंग वो दोनों एक दूसरे को, ये कोऑर्डिनेशन है दोनों का। तो अगर आप फिट हो तो आप अच्छा फील्डर आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे मैंने पहले बोला फर्स्ट पॉइंट कि आपको लॉट ऑफ क्वांटिटी, लॉट ऑफ वॉल्यूम पे काम करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो शेड्यूल है फील्डिंग का, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। क्योंकि जब भी आपका परफॉर्मेंस बॉलिंग में या बैटिंग में खराब होगा, तो आपका मेजरली स्किल पे ज्यादा चांस होगा। लेकिन मेरा एक सजेशन है, जितने भी रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं या 23 भी खेल रहे हैं या 19 भी खेल रहे हैं, कि जब आपकी स्किल खराब होने लगे, जब आपको लगे कि आप ओवर बैटिंग कर रहे हो, ओवर बॉलिंग कर रहे हो, प्लीज इंक्लूड एटलीस्ट 10-15 मिनट्स फील्डिंग इन बिटवीन। तो अगर आपको बैटिंग का सेशन मान लो आपको 90 मिनट करना है, सो आप 45 मिनट्स पहले बैटिंग करो, इंक्लूड 10 मिनट्स ऑफ फील्डिंग, देन गो टू बैटिंग अगेन। तो उसमें क्या होगा कि जब आप थकते हो बैटिंग करके या बॉलिंग करके थकते हो, तब आपकी जो फील्डिंग इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि बॉडी रेस्पॉन्ड करना धीरे धीरे स्लो करती है। तो अगर आपको अच्छा फील्डर बनना है, तो थकने के बाद जो अच्छी फील्डिंग होगी वो बेटर आउटकम निकल के आएगी। सो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि निशान सर से पूछो नरेंद्र पनवार सर के बारे में। हाँ यार, मेरा एक फ्रेंड है नरेंद्र पवार, उसने सुसाइड किया था 7-8 दिन पहले। अच्छा। जोधपुर में कुछ सर्कमस्टेंस, सो कंडोलेंस टू हिज फैमिली, और बहुत टफ टाइम था 2 दिन हमारे लिए। एक्चुअली बहुत शॉक्ड थे हम सब कि उसने ये स्टेप उठाया, तो हम लोग बहुत शॉक थे। बट
होप क्रिकेटर, वहां पे भी है। हाँ क्रिकेटर, लेफ्ट आर्म स्पिनर था वो, कोच बना था अभी 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 कोच बना था 2-3 साल से। सो जहां पे भी वो है होपफुल उसकी आत्मा को शांति मिले, भगवान ही विल बी रेस्ट इन पीस। और एक्चुअली उसके फैमिली को स्ट्रेंथ दे भगवान, जित इतनी स्ट्रेंथ दे कि वो इतना बड़ा शॉक झेल ले। क्योंकि वो मेरा मेरा बहुत जिगरी था। जितने भी मैं प्रीमियर लीग जीता हूँ राजस्थान में, JPL हुआ, TNPL हुआ, जो भी TPL हुआ, जितने भी प्रीमियर लीग हम 3-4 जीते जब मैं कैप्टन था, उसको मैं स्पेशली मांगता था कि मुझे वही लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, और चारों बार में से हम जीते हैं। सैड। ओके एक ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला था, जैसे आईपीएल में जैसे कोई भी जो स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है जो जोर से मारते हैं, जैसे पोलार्ड है, बाद में रॉस टेलर था, बाद में जो भी जो लास्ट में आके जो मारते हैं तेज, अगर वो जो भी फील्डर बाउंड्री में खड़ा रहता है, जिस मिड ऑफ मिड ऑन तो तेज मारता है, फ्लैट मारता है, वन बाउंस आता है, तेज आता है बॉल, तो एक का क्वेश्चन था कि वैसे बॉल रुकाना कैसे, क्योंकि हमें सॉफ्ट हैंड्स रखने बोलते हैं, और वो स्पीड में अगर आप ज्यादा सॉफ्ट हैंड रखोगे तो हाथ भी निकल जाएगा वो स्पीड से, तो वो टाइम में कैसे सबसे होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करना है? इम्पोर्टेंट है कि है ना केपी, इसमें है ना एक चीज जो मिथ है फील्डिंग के बारे में, हैंड सॉफ्ट होनी चाहिए। एक्चुअली हैंड थोड़े से फर्म होनी चाहिए, एल्बो सॉफ्ट होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे बायोमैकेनिकली रिस्ट सिर्फ इतना ही मुड़ सकता है, रिस्ट सिर्फ इतना ही फोर्स झेल सकता है, लेकिन एल्बो का एक्सटेंशन, एल्बो का जो एक्सटेंशन है वो मार्जिन बड़ा है। तो जिस लेवल का फोर्स आएगा और जिस लेवल का मार्जिन इसमें है एब्जोर्व करने का, सो एल्बो के अंदर ज्यादा चांस है, एल्बो सॉफ्ट होगी तो ज्यादा चांस है आप बहुत ज्यादा फोर्स से बॉल आएगी उसको आप। क्योंकि क्या होता है कीपिंग में भी सेम चीज होती है, जब आप शॉन टेट को कीपिंग कर रहे हो या कोई भी बंदा 150 पर कर रहा है तो आप सॉफ्ट हैंड की बात करते हैं, लेकिन आपकी बहुत ज्यादा जब सॉफ्ट हैंड है तो बॉल निकले, बॉल जब वॉबल होती है तो निकल जाती है लग के कभी कभी। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी एज ए कीपर और एज ए फील्डर, हाथ थोड़े से सॉफ्ट से थोड़े से ज्यादा फर्म होने चाहिए और एल्बो सॉफ्ट होनी चाहिए। क्योंकि एल्बो जितनी सॉफ्ट होगी उतनी ज्यादा आपकी रिसीविंग अच्छी होगी। सेकेंड चीज जितने भी लोग ये पूछ रहे हैं कि तेज मारता है रुकना, उस लेवल की फील्डिंग वो कर रहे हैं क्या? क्योंकि क्या होता है कि जब आप फील्डिंग करते हो तो यू यूज टू डू वेरी कैजुअल फील्डिंग सेशंस स्पीड, तो आपका जो फील्डिंग कोच है उस पर क्वेश्चन मार्क है कि वो उतनी तेज मार पा रहा है क्या। क्योंकि आपको अगर कोई चीज, अगर मुझे IAS का एग्जाम पास करना है, सो आई कांट बी रीड 8 की किताबें, आई हैव टू रीड IAS की किताबें। तो IAS की किताबें पढ़ूंगा तो ही IAS का एग्जाम दे पाऊंगा। तो जो भी लेवल की आप ग्राउंड में उतर रहे हो उस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। आप अंडर आर्म नॉकिंग करके 150 स्पीड खेलने की बात सोच रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको अगर जो जितने भी ये पावर हिटर्स हैं इनकी बोले आपको पकड़नी है, इवन इन 30 यार्ड भी पकड़नी है, तो आपको उस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो कोशिश करता हूं मैं सिनारियो, मैं सिचुएशन में प्रोड्यूस कर पाऊं हर प्रैक्टिस सेशन में, कि उस स्पीड, उस एक्यूरेसी और उस टेक्निक के साथ कि वो तीनों एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एक और चीज केपी, बीइंग अ फील्डिंग कोच जो मैंने रिसर्च किया है इतने सालों में, 3 सालों में, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आगे को भी IPL खेले हैं, तो अगर आप किसी IPL टीम में आते हो तो आप हमेशा बैकग्राउंड जरूर चेक करो। किसी भी स्टेडियम में जाते हो तो हर स्टेडियम का एंगल अलग है, लाइट्स का एंगल अलग है, बैकग्राउंड जो सीट्स का अरेंजमेंट है यार पब्लिक बैठती है उसका हर अलग अलग है। हैदराबाद में लाइट्स थोड़ा नीचे है, मोहाली में लाइट्स 8 है, वो तो हर गैजेट बहुत छोटे आती है, हैं। हाँ तो एक ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है आपको दिखेगी नहीं। बीइंग अ फील्डिंग कोच आपको पहले एक दिन पहले जाके खुद मार के किसी को बोलना पड़ता है कि मुझे ऐसी कौन सी जगह जहां ब्लाइंड स्पॉट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंगल्स एंड द बैकग्राउंड्स, क्योंकि जिसको बैकग्राउंड का अच्छा आइडिया है वही फील्डिंग जब सिनेरियो सेट करता है कि इस एंगल से बॉल कम आती है तो वहां से वो ज्यादा फील्डिंग देगा, ताकि मैच में अगर आपने 50 बॉल मारी है लेकिन मैच में एक ही आएगी, तो वो वाले एंगल से अगर आप कैच पकड़ रहे हो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि यहां से बॉल गायब होती है, यहां से वापस दिखना स्टार्ट होती है। वो लेवल की प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बैकग्राउंड बहुत, और इवन रणजी में भी चेयर्स रेड होती है और बॉल लाल होती है। रणजी में भी जब आप फील्डिंग करते हो पॉइंट पे कवर्स पे, तो उस स्लिप में अपन अपन हमेशा कंप्लेन करते हैं स्लिप में सामने का बैकग्राउंड ऐसा होता है। आपको सेंटर विकेट पे जाके करानी है स्लिप कैचिंग, क्योंकि एग्जैक्टली आइडिया लगता है कि उन चेयर के बीच में से जब बॉल आएगी तो कहाँ फिनिश होती है। तो ये मेरे साथ हुआ था एक बार, रणजी ट्रॉफी फर्स्ट
सेकंड सीजन का फर्स्ट मैच बॉलर कौन थे, अजीत अगरकर, जहीर खान और सचिन तेंदुलकर भी खेले थे और अजिंक्य रहाणे भी था, सब थे टीम में और मैं थर्ड स्लिप में था और थर्ड स्लिप के सामने ही एक बैनर लगा था रेड कलर का, तो उसमें मैंने वो मैच में मैंने तीन कैच, तीनों डिफिकल्ट थे, तीन कैच छोड़े थे पर चार कैच पकड़े थे, तो वो मेरे लिए मतलब ऐसा नहीं कि कैच छोड़ा मैंने, वो बैट्समैन का कैच छोड़ा, नेक्स्ट ओवर में वापस उसका ही कैच आया, तो मैंने जो दो कैच मेरे को समझा नहीं, बोलो मैं ऐसा कैच मतलब नॉर्मली पकड़ता हूँ मेरा स्लिप कैचिंग और एकदम अच्छा, मतलब क्यों छूट रहा है मेरा ऐसा डाइविंग डिफिकल्ट है पर मैं पकड़ता ऐसा, चल एक छूटा चल जाएगा, तो बाद में देखा कि पीछे रेड कलर आ रहा है, रेड कलर का वो बैनर आ रहा है, मैंने बोला अंदर कि वो बैनर बीच में आ रहा है वो निकल, तो बाद में सब पकड़े क्या, तो चार कैच पकड़े थे, वो थोड़ा वो प्रेशर निकल गया, किसी ने बड़ा रन नहीं किया पर ये बहुत एक्चुअली ये मालूम होना चाहिए आप कहाँ पे खड़े हो, आपके पीछे क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ नेगलेक्टेड, हाँ एक्चुअली नेगलेक्टेड एरिया है बहुत कोचिंग में, नेगलेक्टेड एरिया बैकग्राउंड, क्योंकि कोई भी रणजी टीम जब ट्रैवल करती है आपको नेक्स्ट चार दिन वहीं खेलना है, जब स्विमिंग ट्रैक होगा तो स्लिप पे कैचेस आने के या शॉर्ट कैचेस आने के चांस बहुत हैं, सो बीइंग अ कोच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा बैकग्राउंड से बॉल आ रही है, कौन सा चेयर का एंगल है, कहाँ से आ सकती है, स्टेडियम के कौन सा कोना कहाँ इफेक्ट कर रहा है, सो वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है, वो मैंने अभी इन रिसर्च में जो अभी चीजें लिखता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो निकल के बाहर आ रही हैं, एंड वो जब आप करते हो तभी आपको पता चलेगा, अगर आप सिर्फ यही सोचो कि मुझे सिर्फ कैच ही मारना है, मुझे और कुछ चीजों पे ध्यान नहीं देना है, सो वो बाद में इफेक्ट करती है, तो अभी इन चीजों में मैं थोड़ा ज्यादा फोकस आ गया है मेरा भी। राइट राइट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, ये कोई ध्यान नहीं देता है फील्डिंग कोच, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इतना ध्यान दिया रहेगा जितना आपने दिए, चलिए मुझे भी सीखने में मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे याद है, पर ये अगर मैं फील्डिंग कोच होता था ये मैं करता था कि पता नहीं, क्योंकि मेरा हाइट ज्यादा है तो मैं खड़ा रहता तो वो दिख रहा नहीं था, जब मैं झुक रहा था नीचे वो टाइम में मेरे सामने आ रहा था, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है। ओके, एक कोच का क्वेश्चन था, उसका नाम है रोहित, तो उसने आपको क्रिकेट में कैसे बार बार कुछ ना कुछ अपग्रेड होते रहता है, तो आपको खुद को अपडेट कैसे करना है, ये जो नए नए टेक्निक्स आते हैं उसके लिए, तो आपको कुछ ऐसा है कोचिंग में? हाँ, कोचिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर सिनेरियो कोचिंग में ग्रेड आपका चेंज होता रहता है। देखो आज क्या है कि पावर हिटर्स का टाइम आ गया है T20 में, ठीक है, सो अगर कोई कंटेम्प्रेरी बैट्समैन आपका स्टूडेंट कंटेम्प्रेरी बैट्समैन है और अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़े शॉट नहीं मार सकता, मैं बड़े शॉट नहीं लगा सकता, और आप उसको कोचिंग कर रहे हो एंड ही स्टिल स्ट्रगलिंग, सो मतलब एज अ कोच यू आर फेलिंग, तो आपको ऐसा कोई बॉक्स नहीं है जो आपको टिक करना नहीं आता है, ठीक है। जैसे बीइंग कोच मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुए 100 साल हो गए शायद, ठीक है, और इंडियन टीम और जो भी टीम इंग्लैंड ट्रेवल करती है दे यूज टू स्ट्रगल इनिशियली क्योंकि बॉल हिलता है, पर यहाँ पे वही चीज इंपॉर्टेंट है कि अपग्रेडेशन, जब इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा अपग्रेडेशन हो गया है, कोचेस इतने स्मार्ट हो गए हैं, वो पहले जाते हैं, दे यूज टू अरेंज सिनेरियोस, सो बीइंग इन द स्टेट लेवल और उससे नीचे लेवल में एवरी कोच हैज टू अपग्रेड हिमसेल्फ, क्योंकि कोई भी, अगर मेरे को ऐसा लगता है और ये मेरी ऑनेस्ट थिंकिंग है, ये इंस्टा लाइव है वो सब उससे नहीं है, लेकिन मेरी ऑनेस्ट थिंकिंग है कि इफ अ प्लेयर फेल्स एक्चुअली कोच फेल हो रहा है वो, क्योंकि प्लेयर आप जो आप एक्शन हो प्लेयर रिएक्शन है, तो आपके एक्शन अच्छे नहीं इसलिए प्लेयर रिएक्शन गलत दे रहा है, सो बीइंग अगर कोई स्टूडेंट या आपकी कोई टीम फेल हो रही है इट्स फेलियर ऑफ अ कोच, क्योंकि कोच का काम है, क्योंकि कोचिंग क्या है, केपी कोचिंग ये है कि एक सड़क है वहां पे बिल्डिंग है, इधर एक ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ एक खड्डा है, उस ब्लाइंड स्पॉट पे जैसे मैं टर्न किया उस खड्डे पे मैं गिर गया, अब मुझे पता है यहाँ खड्डा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा स्टूडेंट जाएगा मैं उसको बोलूंगा कि देख वो टर्न करेगा वहां पे खड्डा है वहां गिरियो मत, थोड़ा साइड से जाना, तो जिस खड्डे में आप गिर चुके हो, आप इंडिया नहीं खेले हो, आपको आपकी गलतियां पता है कि आपने क्या क्या गलतियां की है, आप कभी 100 बना के किसी को नहीं धार रहे हो, किसी को पूछ नहीं रहे हो, या 0 बना के आप कमरे के अंदर सो गए, सो जो जो गलतियां आपने की है, जो जो एक्सपीरियंस आपने किया, ऊपर नहीं बढ़े, सबसे पहले तो वो ट्रांसफर करो प्लेयर में, साथ में आपको
अपग्रेडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लेयर आपको आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहा है आपकी कोचिंग पे, तो आपको अपग्रेड नहीं करोगे तो वो जो चीज करना चाहता है वो कभी कर नहीं पाएगा। तो अगर कोई T20 का बहुत तगड़ा प्लेयर है और वो आपके पास आए केपी के सर आई वांट टू बिकम अ टेस्ट प्लेयर और आई वांट टू बिकम अ रणजी ट्रॉफी प्लेयर जो 100 मैच खेलूं, सो यू नीड टू वर्क ऑन द टेक्निक। सो वो अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि मैं भी T20 अच्छा खेलता था, मैं बहुत ज्यादा प्लेयर को तैयार कर सकता हूँ T20 के लिए, लेकिन मैं क्या डेज के लिए तैयार कर सकता हूँ? सो ये अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। एक का क्वेश्चन है, उसने बहुत सारे प्लीज प्लीज लिखा है कि भैया प्लीज आस्क हम लोग कैसे अपना पर डे का शेड्यूल बनाए विकेट कीपिंग और बैटिंग का। नाम क्या है? अयान। क्या नाम है? अयान। अयान हाँ, अयान। अयान डिपेंड करता है सबसे पहले कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो आपकी स्किल पे। सबसे पहले तो इफ यू आर अ विकेट कीपर बैट्समैन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी विद योर एज। सो इफ यू आर अ 15 ईयर ओल्ड बॉय, सो अगर आप डेढ़ घंटा आप कीपिंग का काम करोगे तो यू आर ड्रेन्ड आउट फॉर योर बैटिंग, या फिर आप एक घंटा आपकी बैटिंग पे काम करोगे तो यू आर ड्रेन्ड आउट फॉर योर कीपिंग। सो आपका वर्कलोड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर अ 15 ईयर ओल्ड और लेट्स टेक एग्जाम्पल 18 ईयर ओल्ड, सो आपका थोड़ा सा स्लैब बढ़ जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कीपिंग जनरली इफ यू आर फुल एनर्जेटिक अभी आप हो तब आप कीपिंग करो, बिकॉज बैटिंग में यू नीड लेस एनर्जी रादर देन कीपिंग। सो कीपिंग को प्रिफरेंस आप पहले दो, ऑब्वियसली दोनों बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कीपर करके आप नहीं खेल सकते आगे क्रिकेट, आपको बैटिंग में आनी चाहिए, या सिर्फ बैटिंग करके कीपिंग खराब है तो आप नहीं कर सकते। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, बट एज फार एज द वर्कलोड इज कंसर्न, आपकी एज इज कंसर्न, यू स्टार्ट थिंग्स विद द कीपिंग फर्स्ट, बिकॉज आपकी एनर्जी उस टाइम आप गए हो, आप वार्म अप किया, आपने एक्टिवेशन किया, सो गिव अ टाइम टू कीपिंग फर्स्ट देन गो फॉर द बैटिंग ड्रिल्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट रिवर्सिंग दैट फॉर 1 week एंड देन सी हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग। क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक्स है या आप स्टिफनेस हो, सो वर्क ऑन योर फिटनेस, इसमें वो दोनों स्किल का कोई गलती नहीं, इट्स फॉल्ट ऑफ योर फिटनेस। सो वर्कलोड मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्कलोड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो भी शेड्यूल आपका कोच बना रहा है, ही हैव टू अंडरस्टैंड कि इस लड़के का एक्चुअली बॉडी सिस्टम क्या है, कितना भारी है, कितना हल्का है, और क्या एक्चुअली इसको अचीव कराना है शॉर्ट गोल में, नॉट अ लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल में। सो शेड्यूलिंग उसका, तो मेरे अगर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मैं जो भी शेड्यूलिंग बनाता हूँ, आई हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर बॉडी कि उनकी बॉडी क्या है, देन आई स्टार्ट मेकिंग द शेड्यूल्स। राइट राइट, ओके। लास्ट क्वेश्चन, आपके स्ट्रगल के बारे में बताओ, आपने अपने लाइफ में क्या स्ट्रगल किया क्रिकेट में? सो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम थे, सीमेंट विकेट था एक, उसमें भी लोग एक्चुअली क्रॉस ऐसा था मैदान टाइप, सो लोग एक जगह से दूसरे बस स्टैंड था एक तरफ, सो वी यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उस टाइम पे बॉल्स भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, सो मैं डैड से बोल के नहीं बोल लेके आया एक दिन, सीमेंट पे बहुत सारे खड्डे भी होते थे, सीम भी कर जाती थी, तो वॉल्यूम पे इतना काम नहीं होता था। फिर मैं जयपुर गया, जब मैं टेंथ पास किया उस समय मैं जयपुर गया, तो वो एक्चुअली स्ट्रगल का सबसे ज्यादा, क्योंकि खुद ही रहना, खुद ही खाना बनाना, खुद ही सब कुछ करना, खुद ही कपड़े करना, सिंगल रूम में रहना एंड ट्रैवल इन द बस। पर वहां जाके मैंने सी डिवीजन से खेलना स्टार्ट किया था, क्योंकि आप स्ट्रेट अवे जाके ए डिवीजन में नहीं खेल सकते थे, सी डिवीजन में खेला। प्रतीश कौन है आप? प्रतीश अग्नि कौन है? भाई वो बोल रहे कि आप एक दिन पहले एग्जाम में एग्जाम के लिए पढ़ाई करते थे, कुछ स्ट्रगल नहीं किया? हाँ, एग्जाम में कोई स्ट्रगल नहीं किया, एक दिन पहले 1 week सीरीज आता था, पढ़ता था 50% 60% डन। तो हाँ, जयपुर में क्रिकेट में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो वो जो 2.5 साल थे, 3 साल थे, और वो एक्चुअली काम भी बहुत है, उसमें मैं अपने आप को मोल्ड कर पाया, खुद को डिस्कवर कर पाया कि कौन से स्टाइल का प्लेयर हूँ या मेरा गेम प्लान क्या है या मैं। बट केपी एक चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रक करती है मेरे को कि द लेवल ऑफ कोचिंग यार, जो चीज अभी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप करते हो, आई सॉ योर ट्रिगर मूवमेंट का देखा मैंने, ग्रिप का देखा, तो इस टाइम पे जो लड़के कंप्लेन करते हैं कि सर कोचिंग है वो, दे गेट एम्पल ऑफ स्टफ इन द इंटरनेट, सब कुछ अवेलेबल है, कंप्लेन होना ही नहीं चाहिए, पर
हमारे टाइम पे आई एम 38 राइट नाउ, तो मैं जब खेला था 1996 में, तो देर इज नो इंटरनेट, नथिंग, नो मोबाइल फोन, नथिंग. तो अगर आपको किसी कोच ने बोल दिया कि आप तेरे 3 ग्रिप ज्यादा है, तू खराब खेल रहा है, तो उस दिन से ग्रिप ही उतार देते थे. तो वो एक चीज जो जो सेंटेंस दिमाग में डाल देते थे वही कर देते थे विदाउट एनी लॉजिक. नाउ डेज यू कैन कंपेयर द कोचेस, जिसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने बोला, तो जो आपको शूट किया वो आपने किया. राइट. ऑन दोज डेज एक ही कोच बहुत बढ़िया खेल रहा है, चलो है, बहुत बढ़िया मार रहा भाई, तगड़ा है, तिंग तिंग, वो उनकी एक लाइन, हाँ भाई मैं तो बहुत ही अच्छा खेल रहा हूँ. तो वो मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा था उस टाइम पे. एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअली मैं स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ या स्टैटिक खड़ा हूँ. तो बहुत स्ट्रगल किया था उस टाइम पे, बट थैंक गॉड थोड़ा स्किल और टैलेंट और चीजें समझने लगे 19 में. दोस्त लोग थे, आपस में थ्रो फेंक के करते थे, साइडम्स वगैरह तो थे नहीं, पर खुद ही सिंथेटिक बॉल ला के प्रैक्टिस करना जयपुर में, फिर सीमेंट विकेट पे गीला करके उस पे सर्फ डाल के प्रैक्टिस करना. तो लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है केपी पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जिसने स्ट्रगल नहीं किया. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कैरियर्स नाउ डेज. तो बट वो मीठा स्ट्रगल है जब आपको रिजल्ट मिलता है. तो नहीं, एक्चुअली कैसे स्ट्रगल सबका रहता है, पर किसका कैसे रहता है वो पता नहीं रहता है. तो इसलिए मैं जितनी भी लाइफ के सबका स्ट्रगल अलग अलग है. किसी का घर घर से सपोर्ट नहीं रहता है, या फिर किसी को घर से सपोर्ट रहता है पर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता है. फिर सबका अलग अलग चीज, किसी को घर पे प्रॉब्लम्स रहते है, वो मेंटल वो उसमें खेल वो मैचेस खेलते हैं उसमें परफॉर्मेंस. बिल्कुल, पढ़ाई का बहुत रहता था कि भाई अगर 10th में 70% आएंगे देन यू विल गेट अ बैट और किट बैट. तो माय मॉम यूज्ड टू से कि यार तुझे तभी मेरे को 10 में 70% लाके दिखा तो ही तेरे को मैं आगे क्रिकेट खेलने दूंगी. तो उसके लिए भी पढ़ाई में रात को जग के कि यार क्रिकेट खेलना है, पढ़ लो यार. तो वो सब स्ट्रगल और सब क्रिकेटर. मेरे को नायरी का मैं देख रहा था एक बार, नायरी भी बता रहा था कि मैं बाहर इतना चीजें फेस कर रहा था कि क्रिकेट का प्रेशर मुझे बहुत कम लग रहा था. वो मैंने सुना था नायरी का बात की है हम लोग ने वैसे, क्यों मेरे बाहर वाले लाइफ में इतना प्रेशर था मुझे क्रिकेट का, मुझे कुछ नहीं लगा. मतलब उसने हमेशा मुंबई को खराब सिचुएशन से निकाला था. तो वो ही बोल रहा था कि मैं ऐसे सिचुएशन, जो अच्छा सिचुएशन रहेगा तो एक बार मैं आउट जाऊंगा, जो खराब सिचुएशन रहता वो टाइम में मेरे मैं हमेशा रन करता था. तो वही सेम अगेन, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं है, जो भी ऊपर के लेवल में खेलते हैं उनको पता नहीं कि सब लोग स्ट्रगल, वो लोग सिर्फ फेम देखते हैं, कौन कहाँ घूमता है, कौन कैसा फोटो निकलता वो देखते हैं, पर लोग स्ट्रगल क्या किया है, कितना मेहनत किया वो लेवल जाने के लिए तो वो देखते नहीं. इसलिए वो हमेशा बोलता है ये क्या मैं भी करूंगा, पर वो लोग ऐसा करते नहीं. तो वो इसलिए मैं स्ट्रगल के बारे में पूछने लगा हूँ सबको, पहले नहीं पूछ रहा था, अभी जैसे जैसे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मालूम होना चाहिए. वेरी गुड. ये क्वेश्चन एक्चुअली इंस्पायरिंग, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करेगा कि नायर बोल रहा है या फिर वसीम भाई बोल रहे हैं, तो उनको लगेगा कि सब चीजें हलवा नहीं मिलती हाथ में. यू हैव टू बी गॉन थ्रू दिस फेज, वो फेज आता ही है. और क्रिकेट में तो आप बैट्समैन हो, आपको पता ही है कि आउट ऑफ 100 डेज 70 डेज विल बी द वर्स्ट, एंड 30 डेज को आप कितना बड़ा कर सकते हो, इट्स अप टू योर पोटेंशियल. तो स्ट्रगल तो है एनीवेज. और आप 200 बना के अगले 4 इनिंग में 4-0 बना दो तो स्टिल यू आर डिप्रेस, वो 200 भूल जाते हैं लोग. ओके, थैंक्स दिशान फॉर, बहुत मजा आया. और बहुत जो भी व्यूवर्स थे उनको भी बहुत मजा आया रहेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला, मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला. ऐसे नहीं किसी उनको मुझे भी, और जैसे आपको भी पता है कि कोच भी सीखते रहता है, ऐसे नहीं कि कोच को सब सीखते रहते हैं, जो भी ऊपर के लेवल खेलते वो लोग भी सीखते रहते. तो थैंक्स फॉर कमिंग लाइव, बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा. मेरे को भी बहुत केपी, एंड बहुत दिनों बाद मिले, चलो बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन इंस्टा, और आगे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे भाई, है ना. राइट, जब मुंबई में आओ तभी पता ना, आईपीएल का टिकट ही मांग लेते हो वाटिंग में होगा. एनीवेज यू आर गेटिंग ना रणजी ट्रॉफी प्लेयर को मिलता है साफ तुम्हारे. बोला नहीं, सभी कितने लगेंगे भाई, फोटो टिकट चाहिए. मुझे भी नहीं मिलता, कोचेस को मिलना बंद हो गया जब प्लेयर खत्म मिलता था.
ओके चलो थैंक यू बाय बाय टेक केयर।